आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। देखिए, ये SCHSL का जो नोटिफिकेशन वो आ चुका है, कल अपलोड हो जाएगा 18/11 को, ठीक है। तो इसका देखिए जो क्लोजिंग डेट है वो 18/12 तक है, लेकिन आप पहले ही भर दीजिए क्योंकि SCHSL बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोग के लिए इसको क्रैक करना, क्योंकि देखिए CGL थोड़ा सा अभी भी टफ है, जिनका मैथ्स और इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, लेकिन ये आप क्रैक कर सकते हैं क्योंकि इसमें टायर वन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। टायर टू भी है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, लेकिन टायर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका अच्छा मार्क्स हो जाता है वो डेफिनेटली क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो इसका देखिए अभी भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है 4 तारीख से है 26 तारीख तक, और टायर टू का भी डेट दे दिया गया है वो जुलाई में है, ठीक है। तो आपके पास पूरा टाइम टेबल है, शेड्यूल है, आपके पास टारगेट है, आप उसी को फॉलो करते एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहिए। तो ऑलरेडी मैं मंडे से क्लास एकदम डेफिनेटली आपको स्टार्ट करा दूंगा, आपको मैं पूरा चॉकआउट कल बता दूंगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, स्ट्रैटेजी से लेकर टाइम टेबल, कैसे वीडियोस अपलोड होंगे, हम लोग कैसे टॉपिक सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे, तो टोटल आपको दे दिया जाएगा दोस्तों, तो ज़रूर देख लीजिए। तो उसके बाद हम लोग जो इंपॉर्टेंट इसमें देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या क्या पोस्ट है। LDC का पोस्ट है, पोस्टल का पोस्ट है, LDC का 1900 है, 2400 प्री रिवाइज, देखिए ये ग्रेड पर दिया हुआ है अभी, जबकि रिवाइज हो चुका है दोस्तों। टेंटेटिव वैकेंसी ये एकदम जस्ट टेंटेटिव है दोस्तों, इससे बहुत अभी आप ऑलमोस्ट देखें तो जितना इंटरनल है अराउंड 7000 वैकेंसीज कुछ है, ठीक है। अभी 898 2392, ठीक है, अभी ये वैकेंसी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के अभी भी वैकेंसीज नहीं दिया गया है, तो बहुत ही कम वैकेंसी अभी है। ये एकदम जस्ट टेंटेटिव है, अच्छा खासा इस बार वैकेंसीज होने वाला है। PW कैंडिडेट अच्छा से इसको देख ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसी के तहत अगर आते हैं तो एलिजिबल है, तो ज़रूर फॉर्म फिलअप करते वक्त इसको अच्छा से देख लीजिए, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट तो हम लोग का दिया हुआ है 18 से 27, डेट 1/8/2018 तक होगा, रिलैक्सेशन जो है हम लोग का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है देख लेते हैं दोस्तों, ये सब नॉर्मल है। अच्छा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूर देख लीजिए, मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड और इक्वल एग्जाम बोर्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर CAG, ठीक है, उस डिपार्टमेंट के लिए आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, 100 रुपीज़ आपको लगेगा फीस। अच्छा एग्जामिन सेंटर इधर इधर है, जहाँ जहाँ जिनको देना है दे दीजिए। उसके बाद हम लोग स्कीम ऑफ एग्जाम देखिए, इधर ही ट्विस्ट है, 60 मिनट्स, लास्ट टाइम 1 घंटा 15 मिनट था दोस्तों, 75 मिनट्स था, 60 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम सेम है आपका, GK 50, बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज 50, जनरल इंटेलिजेंस 50, क्वांटिटी एप्टी 50 एंड GS आपका 50, ऑल 25 क्वेश्चंस करके आएंगे, ठीक है। इसमें नेगेटिव जो है 0.50 है, आंसर की बाद में आ जाएगा, सिलेबस दिया हुआ है GI नॉर्मल जो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ है दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव पेपर हम लोग का 100 मार्क्स का है, पेन पेपर डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, 1 आवर आपका टाइम दिया जाएगा, आपको ऐसे लिखना है और आपको लेटर लिखना है। देखिए ऐसे इसका ऑलरेडी मैं कवर अप करा रहा हूँ, एकदम एक एक टॉपिक करके लेटर का भी मैं दे दूँगा आपको, तो आपको अच्छा इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टायर 3 में स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। अच्छा डेटा एंट्री के लिए 8000 की डिप्रेशन आपको चाहिए, डेटा ऑपरेटर CAG के लिए आपको 15000 की डिप्रेशन चाहिए, ठीक है। 15 मिनट्स आपको दिया जाएगा, उसमें से 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपको करना है, और इसमें CAG के लिए 15 मिनट में 3700 से 4000 की डिप्रेशन करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बाकी नॉर्मल है, इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है उतना, एडमिशन ये तो नॉर्मल ही रहता है, तो मेन वही है दोस्तों आपका 15 मिनट्स रिड्यूस हो चुका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा उसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप अच्छा से कीजिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट देख के कर लीजिएगा, तो चलिए अच्छा से प्रिपरेशन कर लिए, हम लोग मंडे से एकदम लग जाते हैं इसमें प्रिपरेशन करने के लिए, और मैं कल आपको पूरा टाइम टेबल के टाइम में कौन सा वीडियोस आएंगे, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे हम लोग चॉकआउट करेंगे सो दैट हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए,
और इतना मैं आपको बोलता हूँ, आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना करा दूँगा वो काफ़ी है आपको क्रैक करने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा जैसे मैं बोलूँगा, आपको उसी तरह पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।